आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले, डेटाबेस फॉर्मूलेज की, मतलब डेटा समराइजेशन फॉर्मूलेज की। जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया कि सम का फॉर्मूला, कि सम कैसे करते हैं, तो नॉर्मल जाता है, पता ही आपको। अगर मैक्स की बात करें तो मैक्सिमम फॉर्मूला जो है वो मैक्सिमम निकालता है, मैक्स का फॉर्मूला। अगर हम बात करें मिन का फॉर्मूला तो मिनिमम निकालता है। उसके बाद हम बात करें इसमें एवरेज का फॉर्मूला, जो कि एवरेज निकालता है, लेकिन ये सब तो फिक्स है ना। हमें अगर कंडीशन के हिसाब से चलना हो तो, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें पूजा का टोटल चाहिए कि पूजा ने जैन के अंदर में कितना टोटल किया, ठीक है, पूजा ने जनवरी में कितना टोटल किया। क्योंकि नॉर्मल सम निकालते हैं तो टोटल ओवरऑल सम देता है ना, मतलब सम विद कंडीशन चाहिए। इसके लिए हमारे पास सम इफ का फॉर्मूला है। सम इफ का फॉर्मूला लगाइए और सम इफ के अंदर जो है तीन है, पहला रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज मतलब कि ये जो पूजा है किस में मैच करना है, तो हमने बोला हमें जो मैच करना है वो मैच करना है इस नेम वाले ए कॉलम के अंदर। और क्राइटेरिया क्या है, तो ये हमारा पूजा क्राइटेरिया है। और सम रेंज, आखिर सम किसको करना है, तो सम हमको जनवरी को करना है। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ 261 आ गया, 261 यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। जी सर। अच्छा एक बार और लगा के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे देव का टोटल निकालना है, तो यहाँ हम सम इफ लगाते हैं। सम इफ में हम देते हैं यहाँ रेंज, फिर देते हैं क्राइटेरिया, फिर देते हैं यहाँ पे सम रेंज। हो गया, डीप का आ गया। अब इसमें कुछ यस चीजें भी सर। है, जैसे मान लीजिए मुझे ग्रेटर देन 50 कितना है टोटल चाहिए, मतलब कि बोला गया है कि जो 50 से ऊपर की क्वांटिटी सेल कर रखा है उसको हम 10 रुपये पर क्वांटिटी देंगे, तो आखिर टोटल कितनी हमारी हम देंगे वो करना है, ताकि हम टोटल निकालें फिर इसको कर सके। तो यहाँ पे हम देते हैं सम इफ का फॉर्मूला और हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिए और इसको रेंज को सिलेक्ट कर लिए। ग्रेटर देन 50 सिंबल के साथ लिखे हो तो आपका ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज देखा आपने कि हमने ऊपर में सम रेंज भी दिया है, बट इसमें सम रेंज नहीं दिया। देखिए सम रेंज आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शनल है। मतलब जब रेंज और क्राइटेरिया रेंज, सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही है, तो फिर आपको सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेटर देन 50, इसी तरह से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरत क्या होता है कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास 60 है, अब मुझे करना है ग्रेटर देन 60 करना है, तो प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ ग्रेटर देन 60 लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत सारे डेटा है, हर किसी में ग्रेटर देन का साइन लगाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम फॉर्मूले के अंदर ही साइन लगा देंगे। सम इफ हमने रेंज लिया और क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ग्रेटर देन का साइन दिया और एंड पर्सन से 60 को कनेक्ट कर दिया। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। अच्छा यहाँ पे क्या है कि देव है और कहीं पे आपको देव कुमार दिखेगा, देव है कहीं पे और कहीं कहीं पे आपका देव कुमार है। तो मुझे क्या करना है कि देव, अगर देव को करता हूं तो देव कुमार नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार लगा के सम इफ का फॉर्मूला लगा दिया, सम इफ मैंने यहाँ पे रेंज लिया, देन हमने क्राइटेरिया लिया, देन हमने यहाँ पे सम रेंज लिया, तो ये आपको क्या हो जाता है, कंटेन हो जाता है, कंटेन। अगर मैंने यहाँ पे लिखा देव और स्टार लगा दिया तो ये हो जाता है स्टार्ट विद देव, और हमने यहाँ पे स्टार के बाद देव दिया तो ये हो जाता है एंड विथ देव, एंड विथ देव। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ओम है, लेकिन दो, मुझे पता है कि दो डिजिट का कुछ हो सकता है, तो दो बार क्वेश्चन मार्क मार दिए तो क्या होगा कि सम सम करेगा आपको, वो भी
दो डिजिट के जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन मार्क, एनी टू करेक्टर, एनी टू करेक्टर। अब यहां पे चीज और आता है कि मुझे अजीत और नोएडा का चाहिए, अजीत और नोएडा का चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है। तो मेरे पास तीन करेक्टर, तीन कंडीशंस है। देखिए अगर सिंगल कंडीशन है तो आप सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होगा तो आप यूज करेंगे सम इफ्स का, IFS इफ्स। तो मैंने यहां पे ले लिया रेंज सम रेंज, तो इसको अलग देना होता है, तो पहले देना होगा आपको सम रेंज। तो मैंने सम रेंज दे दिया, इसका सम रेंज क्या है, इसका सम रेंज आपका सी बाई सी है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया वन रेंज, मतलब जो पहला क्राइटेरिया क्या, हमें अजीत है तो हम नेम वाले को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन दूसरा हम सिटी है, सिटी को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, तो रिजल्ट यहां आपका जीरो आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा हमने गलती कर दिया, हमें बी बाई बी को सिलेक्ट करना है कॉमा, और फिर नोएडा को सिलेक्ट करना है, फिर सी बाई सी को सिलेक्ट करना है, फिर 50 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। अब देखिए 85 आ गया। और सम इफ के अंदर भी ये सारा जो कंडीशन हमने लगाया है ना, ये लगाया जा सकता है। तो प्रवीण जी, शिवम जी, कोई डाउट? नो सर। चलिए अब बारी आती है, हमने सम लगा लिया, सम के बाद आता है एवरेज का। तो जैसे सम इफ का फॉर्मूला है, ऐसे आपका एवरेज, तो एवरेज निकालता है नॉर्मल, एवरेज इफ का फॉर्मूला है बिल्कुल सम इफ की तरह लगता है, बिल्कुल सम इफ की तरह। तो हमने यहां बोला कि सम रेंज, रेंज क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज, एवरेज रेंज, सॉरी ये आपका आ गया 65 समथिंग का है। और एवरेज रेंज के अंदर में भी, एवरेज इफ के अंदर भी, जो सम इफ के अंदर आपने चीजें दी है ना, वो चीजें आप दे सकते हैं कि ग्रेटर देन 50 का एवरेज निकाल के दिखाए, तो ये आपको ग्रेटर देन 50 का एवरेज निकाल के दे दिया। तो ये सारा क्राइटेरिया आप एवरेज इफ के अंदर भी लगा सकते हैं। अब मल्टीपल कंडीशंस है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज इफ्स का फॉर्मूला, एवरेज इफ्स, जिसमें हम एवरेज रेंज बिल्कुल सब इफ की तरह लगेगा, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री एंड क्राइटेरिया थ्री, एंटर प्रेस करें। आ गया, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, C by C, हाँ A by A हुआ, A 20 हुआ, अच्छा A आपका गलत हो गया, यहाँ पे A E 20 हो गया, B by B, comma B 20 and C by C, comma G 20, अब आ गया 85, क्योंकि एक ही नंबर इसलिए 85 आया। अब इसी तरह से काउंट, तो काउंट की बात करते हैं, तो बेसिकली काउंट के तीन चार फॉर्मूले हैं। इसे काउंट, ये नंबर काउंट करता है टेक्स्ट में, कहता है काउंट ए, नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करता है। फिर आता है हमारा काउंट ब्लैंक, जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, नंबर को नहीं। उसके बाद हमारे पास काउंट विद कंडीशन के लिए हमारे पास आता है काउंट इफ, रेंज ले लीजिए कि हाँ नेम में आपका पूजा कितना बार आया। और काउंट इफ में भी ये जो कंडीशन है, कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि काउंट ए, सो इफ होगा इफ, तो हमने बोला कि इसमें ग्रेटर देन 50। और मल्टीपल कंडीशन हो तो हम यहां पे यूज करते हैं काउंट इफ्स, काउंट इफ्स क्राइटेरिया वन कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू कॉमा क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री कॉमा क्राइटेरिया थ्री, ऐसे 4, 5, 6 करते जाइए, ये वाला आ गया। तो काउंट इफ लगा सकते हैं। जब काउंट इफ हमने लगा लिया तो हमारे पास मैक्स का फॉर्मूला होगा, तो हम यहाँ पे मैक्स इफ लगाए,
नॉर्मल मैक्स तो मैक्सिमम देता है, मैक्स से भी मैक्सिमम देता है, लेकिन इसके ट्रू फॉल्स को भी कंसीडर कर लेता है। अब आता है मैक्स इफ। मैक्स इफ क्या करता है, चलिए हम बात करते हैं।
हेलो सॉरी सर, तो यहाँ हम मैक्सिव की बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा एक कॉल आ गई थी सर। हेलो प्रवीण जी, है आप? जी सर, जी पढ़ाई से। तो यहाँ मैक्सिव की बात करते हैं, तो मैक्सिव में आपको मैक्स रेंज बिल्कुल सम इफ्स की तरह है, और क्राइटेरिया वन रेंज कि मुझे देव का मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो मैक्स इफ आपको मैक्सिमम नंबर दे देता है। और जैसे मैक्स इफ होता है ना, ऐसे यहाँ पे मिन इफ होता है। मिन इफ्स लगाया हमने, मिनिमम रेंज दे दिया और क्राइटेरिया वन रेंज दे दिया, और यहाँ पे क्राइटेरिया वन पूजा ले लिया, देव दे लिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बता देता है कि इतना मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? अब जब मिनिमम मैक्सिमम होता है तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे टॉप 5 चाहिए, 1 2 3 4 5। तो आप अगर मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसकी रैंकिंग से आपको सबसे पहला दिखा देता, राइट? बट सेकेंड लास्ट नहीं दिखाएगा ना। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं लार्ज का। किसका लगाते हैं? लार्ज। लार्ज फॉर्मूले में आप सेलेक्ट कीजिए कि इस एरिया में से मुझे ए चाहिए लार्ज। तो आपको देखिए 87 आ गया, 87, 85, 45 दिख रहा था। अगर मान लीजिए पूजा है 81 की जगह पे, मैं इसको 95 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ 95 सबसे पहला हाईएस्ट हो गया, सेकेंड हाईएस्ट 87, थर्ड भी 87 है, फोर्थ आपका 85 है, फिफ्थ भी आपका 85 है। ठीक है सर? फिर इसी तरह से मैं अगर छोटा करना चाहूं तो हमारे पास स्मॉल का फॉर्मूला आता है। स्मॉल फॉर्मूला बताता है कि जैसे उल्टा जस्ट अपोजिट हो जाता है लार्ज का। समझ गया? क्लियर है सर? जी जी सर, उसके बाद आप यहां आप आते हैं फॉर्मूला लिस्ट में आते हैं, तो आपका मैथमेटिकल में फॉर्मूले बाकी यही है। उसके बाद मैथमेटिक फॉर्मूले वगैरह टेन थीटा साइन थीटा एक का सीखेंगे, इसकी जरूरत है नहीं। इसके स्टैटिकल फॉर्मूला में भी जो चाहिए होगा मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं लेकिन सारे स्टैटिक्स से है। अब इसको समझ, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका, तो पहले आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या यूज है पहले ये पता होगा, तभी ना इसका एक्शन में करेंगे। इसकी मैथमेटिक्स पता होगी तब ना, कि वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, तभी इसको सीख पाएंगे। तो जैसे एलसीएम एमसीएम वगैरह था, जीसीडी वगैरह था, तो जब तक उसके बारे में आपको ना बताओ तब तक क्या निकालना पता करना मुश्किल होता है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है, अब देखिए, ठीक है आपको सर? अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा उनको, ठीक है सर? नवीन जी, नवीन जी, समझ में आ सर रहा आपको? इसलिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले छोड़े हैं आपको, मैथमेटिकल और स्टैटिकल फॉर्मूला जो जरूरत है और जिसकी ऑटोमेशन में जरूरत पड़ती है, जिसकी जो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया होगा, राइट सर? बाकी आप भी एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हाँ ये फॉर्मूला आप आपके यूजफुल में है, आप समझना चाहते हैं, तो मैं उसको भी आपको समझा दूं, ठीक है? और कल की क्लास में हम बात करेंगे आपको स्टैटिकल फॉर्मूला। अब दो क्लास और रह गई है फॉर्मूले की, तो कल हम स्टैटिकल फॉर्मूले और इंफॉर्मेशन फॉर्मूले, दो कैटेगरी फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल फॉर्मूला से हमारा लास्ट हो जाएगा। तो दो क्लास आपका फॉर्मूला का रह गया, फिर हम बात करेंगे एरर फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला और बाकी चीजों पर। ओके सर।